तो भाई, और रियलमी और रेडमी दोनों ऐसी कंपनीज हैं जो एक के बाद एक प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी लॉन्च करती हैं। और अगर रेडमी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो यार एक्सपेक्टेड रहता है कि रियलमी भी उसी तरह का एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, या फिर रियलमी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो कुछ दिनों बाद रेडमी भी वैसा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ही देता है। और रिसेंटली यार, जैसे आपको पता होगा कि रियलमी ने अपना रियलमी बैंड निकाला था, और रियलमी का पहला बैंड है फिटनेस ट्रैकर, और उसी तरह जो रेडमी है वो भी अपना जो पहला रेडमी बैंड है उसको लॉन्च कर दिया है चाइना में। और रेडमी की जो पेरेंट कंपनी है शाओमी, वो ऑलरेडी यार फिटनेस ट्रैकर्स बनाती है, मी बैंड 3, मी बैंड 4 आप ये ले सकते हो, लेकिन रेडमी का ये पहला फिटनेस ट्रैकर होगा। और रेडमी का ये जो बैंड है ये इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन जल्दी सॉल्व हो जाती है तो। और एक्सपेक्टेड यही है कि रेडमी बैंड है वो इंडिया में नेक्स्ट 2-3 वीक में लॉन्च हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा रियलमी बैंड और रेडमी बैंड, और क्योंकि ये दोनों के दोनों यार काफी बजट प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। रियलमी का जो प्राइस है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है 1499 रुपये से, और रेडमी का जो बैंड है ये जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो हुआ है 99 युआन का, अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 1000 रुपये के करीब आता है। और अगर रेडमी बैंड इंडिया में लॉन्च होता है तो इसका प्राइस जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो करीब 1299 हो सकता है, या फिर करीब करीब ये जो रियलमी का बैंड है 1499 तक आ सकता है। तो देखते हैं इन दोनों बैंड में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ सबसे पहले तो डिजाइन से, तो डिजाइन यहाँ पर अगर आप रियलमी बैंड का देखेंगे तो काफी स्लीक डिजाइन है, काफी अच्छा खासा डिजाइन है, थोड़ा सा जैसे यंगस्टर्स के हिसाब से बनाया हुआ है। जैसे इसमें आपको कलर्स देखने को मिलते हैं येलो, ग्रीन और ब्लैक, तो डिजाइन तो काफी स्लीक है, काफी अच्छा खासा है, थोड़ा राउंडेड सा कर्व डिस्प्ले है ऊपर की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर रेडमी का जो डिजाइन की बात करूँ तो इसका डिजाइन है वो आपको थोड़ा सा फ्लैट डिजाइन देखने को मिलेगा, स्क्वायरिश डिजाइन है, और कुछ कुछ जैसे आपके फिटबिट का जो ट्रैकर रहते हैं उसी की तरह है। तो इन दोनों ही बैंड के जो डिजाइन में काफी सिमिलर फीचर दिया गया है चार्जिंग के लिए, तो जब भी आप इन दोनों बैंड्स को चार्ज करना चाहते हो तो आपको जो स्ट्रैप है उसको रिमूव करना होगा, उसके बाद किसी भी यूएसबी पोर्ट में आप इसको चार्ज कर सकते हैं, तो काफी इजी रहता है। अलग से आपको कोई ऐसे चार्जिंग डॉक वगैरह उसे संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये चार्जिंग डॉक रहते हैं ऑब्वियसली यार इधर उधर खो जाते हैं, मैं बहुत सारे खो चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये काफी अच्छा फीचर है, काफी इजी रहता है, लेकिन इस तरह के डिजाइन में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी आपको इसको चार्ज करना हो बैंड को तो आपको यार वो जो स्ट्रैप है वो काफी जोर से खींचना पड़ता है, कभी कभार ऐसे टूटने उठने का डर लगा रहता है। आई होप जैसे ओनर बैंड 5 आई है उसी की तरह का यहाँ पर फीचर दिया गया होता है, एक बटन दिया गया होता है रिलीज के लिए। और इन दोनों के जो डिस्प्ले है उनको अगर कंपेयर करो तो यहाँ पर जो रियलमी का जो बैंड है उसमें आपको 0.95 इंचेस का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये टच डिस्प्ले नहीं है। दूसरी तरफ आपको जो रेडमी के जो बैंड में आपको टच डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 1.08 इंचेस का, और ये OLED डिस्प्ले है। और रियलमी जो बैंड है उसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू डाल चुका हूँ, और एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि रियलमी बैंड का जो डिस्प्ले है वो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, TFT डिस्प्ले है, और अगर आप आउटडोर कंडीशन से रहते हैं तो व्यूबिलिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी खासी नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना है। लेकिन दूसरी तरफ आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है रेडमी बैंड में, तो जो वहां पर जो ब्राइटनेस रहेगी वो थोड़ी बेटर रहेगी, तो यहाँ पर एडवांटेज मैं बोलूंगा कि रेडमी बैंड को है। उसके बाद में अगर इन दोनों फिटनेस बैंड्स की अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो दोनों ही काफी अच्छे खासे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, कैलरी बर्न का ऑप्शन है, स्लीप ट्रैकिंग है, उसके अलावा सेडेंटरी रिमाइंडर्स है, और उसके अलावा यहाँ पर रियलमी बैंड में आपको करीब 9 स्पोर्ट्स मोड जो चूज करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप ऐप के थ्रू चूज कर सकते हैं, लेकिन बैंड में आप सिर्फ 3 ही जो मोस्ट आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वही चूज कर पाएंगे। लेकिन रियलमी बैंड में एक सबसे अलग यूनिक फीचर है जो किसी और बैंड में नहीं होता, वो है क्रिकेट जो आपकी एक्टिविटी ट्रैकिंग का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर रेडमी बैंड की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 5 जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये जो सारे फीचर्स हैं ये आप अपने जो वॉच से यानी बैंड से ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन रियलमी बैंड में जो फीचर्स हैं वो मोस्टली आपको ऐप के थ्रू यहाँ पर एक्सेस करना पड़ता है, बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं स्क्रीन पर, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और रेडमी का जो बैंड रहेगा उसमें जो मोस्टली जो फीचर्स रहेंगे वो आप जो बैंड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ये जो बैंड है वाटर रेजिस्टेंट बैंड है। रियलमी में आपको IP68 की रेटिंग दी गई है, यानी पानी में अगर आप इसको स्विमिंग के टाइम पहनते हैं तो सिर्फ 1.5 मीटर तक ही इसको पानी के नीचे पहन सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रेडमी के जो बैंड है उसमें 5 ATM का सपोर्ट है, यानी कि 50 मीटर तक ही आप पानी के नीचे इसको पहन के रख सकते हैं, और अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो मुझे लगता है कि रेडमी का जो बैंड है ये थोड़ा बेटर है। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करूँ तो रियलमी का जो बैंड है यहाँ पर आपको उसमें ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट दिया गया है, और वहीं रेडमी का जो बैंड है इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, तो कनेक्टिविटी वाइज जो रेडमी का जो बैंड है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँ इन दोनों की बैटरी की, तो रियलमी का जो बैंड है उसमें आपको 90 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और करीब 10 दिन का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और रेडमी बैंड में यहाँ पर जो बैटरी की स्पेसिफिकेशन है कहीं मेंशन नहीं हुई हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 14
दिन का जो बैटरी बैकअप आपको दे देगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ दिन का एडवांटेज आपको रेडमी के जो बैंड में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मैं वॉच फेसेस की बात करूँ तो जो रेडमी का जो बैंड है उसमें बताया जा रहा है कि 72 वॉच फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा वॉच फेसेस हैं। और यहाँ पर रियलमी के जो बैंड में आपको गिने चुने कुछ 5 वॉच फेसेस अभी दिए गए हैं। कहा जाता है कि अभी थोड़े और टाइम में जितने जितने अपडेट्स आएंगे उसमें और थोड़े से वॉच फेसेस हैं वो ऐड करेंगे, लेकिन अभी के करीब आपको सिर्फ 5 ही मिलते हैं रियलमी में, और यहाँ पर आपको 72 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको रेडमी बैंड में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही जो बैंड है वो काफ़ी सिमिलर फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं, और फिटनेस ट्रैकिंग वाइज मुझे लगता है दोनों बैंड है काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स मोड चाहिए तो आप रियलमी बैंड की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको ओलेड डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, तो आप यहाँ पर रेडमी का जो बैंड है इसे चूज़ कर सकते हैं। रियलमी में आपको रियलमी लिंक का ऐप का सपोर्ट है, और दूसरी तरफ रेडमी बैंड में आपको करीब 72 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 10 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है रियलमी बैंड में, और यहाँ पर 14 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको रेडमी के बैंड में। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है रेडमी के बैंड को। और यहाँ पर जो प्राइस है, वैसे तो अगर चाइना के प्राइस है उसमें अगर कंपेयर करें तो रियलमी का जो बैंड है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1499 में, और रेडमी का जो बैंड है वो करीब आपको 1000 रुपये का मिल रहा है। इंडिया में आएगा तो इसका जो प्राइस है करीब 1299, या फिर हो सकता है दोनों का सिमिलर प्राइस हो। तो आप बताओ इन दोनों बैंड में से आपको कौन सा बैंड बेटर लगा, रियलमी का या फिर रेडमी का, आप दोनों में से कौन सा बैंड चूज़ करोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।